हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात मानसून सत्र की। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद में हो सकता है हंगामा। कल पांचवें दिन भी हंगामे की वजह से सदन में कामकाज रहा था ठप। राज्यसभा से विपक्ष ने किया था वॉकआउट। संसद का मानसून सत्र जारी। लोकसभा के बाद कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। आज राज्यसभा के सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। आम आदमी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सांसदों को 27 और 28 जुलाई को सदन में मौजूद रहने के दिए गए निर्देश। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी बोले, अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार, लेकिन हमारी है प्रचंड बहुमत वाली सरकार। बिहार, बंगाल और राजस्थान पर भी होगी चर्चा। मणिपुर पर चर्चा की मांग के बीच लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूर किया। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान की कर रहा है मांग। मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष के सांसद आज काले लिबास में संसद में नजर आएंगे। विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक में लिया गया है फैसला। दिल्ली में अफसरों के तबादले से जुड़े बिल को संसद में सोमवार को पेश करने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल सरकार समेत कई विपक्षी दल बिल का कर रहे हैं विरोध। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यसभा सदस्यों ने सदन के सभापति से की मुलाकात। मणिपुर हिंसा के मुद्दों पर नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा कराने की अपील। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति के रवैये पर जताई गई नाराजगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया अपमानित करने का आरोप। बोले, सदन में बंद किया गया उनका माइक। मणिपुर हिंसा को लेकर चल रहा है सदन में गति। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, प्रधानमंत्री के संसद में आने से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी क्या? 9 सेकंड न्यूज में मानसून सत्र से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। मणिपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। 31 जुलाई को टीएमसी विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव। पार्टी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की गई तारीख। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। मणिपुर की तरह बेगूसराय कांड और जहरीली शराब से हुई मौत पर बोलने के लिए कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। बोले, मोदी जी से मणिपुर जैसा शांतिप्रिय राज्य नहीं संभल रहा है। मणिपुर मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, अपनों के खिलाफ कदम उठाने से डर रही सरकार, इसलिए मणिपुर पर गंभीर नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बिप्लव देव बोले, विपक्ष ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया। विपक्ष को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का विपक्ष पर हमला। कहा, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, हम लोग चर्चा के लिए तैयार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, हम लोग चाहते हैं कि नियम 267 के तहत राज्यसभा में मणिपुर पर लंबी चर्चा की जाए, जबकि सरकार नियम 176 के तहत छोटी चर्चा के लिए तैयार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। बोले, दुनिया भर में बोलते हैं भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा है, लेकिन मणिपुर के वीडियो पर जवाब देते नजर नहीं आए। 9 सेकंड न्यूज में मानसून सत्र में चल रहे हंगामे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर वार। कहा, सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सदन में बोले गए एक शब्द पर आम आदमी पार्टी के सांसद ने जताई आपत्ति। विपक्ष को कायर कहने पर सांसद सुशील गुप्ता ने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी। निलंबन के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का चौथे दिन भी धरना जारी। राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को किया गया है सस्पेंड। संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसद संजय सिंह को सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की। पिछले चार दिनों से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोले, अगर मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देना चाहते हैं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दे, वो जवाब दे सकते हैं। मणिपुर में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात। तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की, ताकि प्रदेश में जारी हिंसा पर चर्चा हो सके। मणिपुर हिंसा के विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल यूपी के सभी जिलों में करेगा प्रदर्शन। जयंत चौधरी ने सभी नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निर्देश दिए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।